नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चंबल की एक लोक कथा है कि जब श्रावण कुमार अपने मैया बाबा को लेकर यात्रा पर जा रहे थे तो बीच में पड़ गई चंबल। अब भैया जब श्रावण कुमार ने चंबल का पानी पिया तो उस पानी ने उनकी मत्ती फेर दी और उन्होंने अपने मैया बाबा को गुस्से में वहीं उतार दिया। फिर थोड़ी देर में जब चंबल के पानी का असर उनसे उतरा, उन्होंने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और वहां से उसी वक्त निकल गए। ये है चंबल और उसके पानी का असर, जिसे पीने वालों ने सैकड़ों साल इसकी धरती पर अपने देवर से राज किया। अबे कितने भाग रहे हो, कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। अबे जा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं जबर मुश्किल है। चंबल के लोग आज भी दो चीजों के लिए मशहूर है, एक उनका तेवर और उस तेवर के हाथ में चमकती बंदूक जिसके नली से पावर बहती है, और वो पावर ही है भैया जो आदमी को बनाती है फेमस। बंदूक तो बहुत चमक रही है भाई, आओ। इसका मुहूर्त किया कि नहीं किया? आओ, तुम कहो तो तुम तक कर दे श्री गणेश।
लेके चले तुम्हें ससुराल, असली के ससुराल। आपकी धाक है रामसराय, आप इधर के राजा और हम राजकुमार। अब राजकुमारी राजकुमार से नहीं ब्याहेगी तो कितने ब्याहेगी? अब तो प्रजातंत्र है, राजतंत्र होता तो राजकुमार के मन में प्यार उमड़ो, रथ निकाली और उठा लाई राजकुमारी। सुगंधा को बहुत चाहते हैं हम और ये इच्छा भी रखते हैं कि आप बा को विदा करो। करेंगे ना? अब जे पत्थर की तरह बिहेव ना करो। हमें मालूम है आपने सुगंधा को माता पिता दोनों का प्यार दियो है और हम वचन देते हैं हम माता पिता पति तीनों का प्यार देंगे। बस आप कन्यादान कर दो। सुगंधा का ब्याह हम शैतान से कर देंगे पर तुमसे नहीं। और वैसे भी सगाई के बाद हमें गांव की सफाई करनी है। सराय कड़क सिंह जो मुझे हटा के राम सराय को अपना गुलाम बना रहा था।
शंभू की ताकत थी जनता और कड़क सिंह की उसकी धाक और राजनीति। हुजूर, हमारे भी मोड़ा मोड़ी हैं, हम पे भी रहम करो। अब तुम कागज नीलो करो या हम धरती लाल करें। अच्छा थोड़ी न लगतो है सो। साइन करो, साइन करो। धर्मराज, हमने सुनो है तुम पूरे गांव को औरत बनाए रहे हो। हाँ, कुटुंब वे पालवे को अपनो अपनो तरीको है। शंभू बाप बन के पालवो है, हम मर्द बन के पालेंगे। अरे खरोच है वे, काहे ऑपरेशन कर रहे हो भाई साहब? टिटनेस भी हो सकत है। बड़ा ओके डॉक्टर होने को ई कनसबंदी करवाओ डॉक्टर साहब। हाँ नहीं नहीं नहीं, चलने दो चलने दो, अभी जरूरत है। ये है राम विजय त्रिपाठी। इनकी दिलचस्पी सिर्फ दो जगह खड़े होने में है, एक है चुनाव और दूसरा है क्या हुआ भाई साहब? सगरी मोशन की लगाई थी तुमने। मैंने? पर आप रोका रहे थे। कहे सेक्स करते हुए आदमी इमोशनल नहीं हो सकता है? ए राधे, एक रोजी टीचर। चुप रहो। अबे पहले अपना होमवर्क कर लो, वरना रोजी टीचर तुम्हारे गालों को रोजी रोजी कर देगी। हम बताएं तुम्हें? ये है हमारा राधे, इसके आशिकी के कारनामे में आगे देखेंगे। अरे राधे, तुम अभी घर नहीं गए? नहीं, बस जा ही रहा था। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? गुड टीचर। और तुम्हारे दोस्त? गुड। तो फिर उनसे झगड़ा क्यों कर रहे थे? वो तो बस टीचर। कोई बात नहीं, मैंने सब देखा। देखो, जो उन्होंने किया वो गलत जरूर था, लेकिन उन्हें अभी इतनी समझ नहीं है। उन्होंने वही किया जो उन्होंने देखा है। तुम इस उम्र में इस हरकत को समझे, मेरे लिए खड़े हुए, और तुम्हें पता है तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस बात को हमेशा याद रखोगे। बड़े के भूल मत जाना। आपको नहीं भूल सकते, आपकी बात कैसे भूलेंगे। टेक केयर। और भैया जो मोटर लगी है वहां में चलती है धौर धौर धौर। मोटर पानी वाली? पानी भरने के काजल आई है कड़क ने बंदू। अबे रेम्बो देखो है, बस वैसा ही। घूपन की मोरी है, कदर में घोड़ी है। वक्त की मांग को कड़क ने सही पकड़ा था। अब उसे जरूरत थी एक ऐसी ताकत की जिसे पाने के बाद कोई इसका बाल भांगा न कर सके। इसीलिए ऑपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट मनोहर शर्मा को अगवा कर उसने ये पहल कर दी थी। दूसरी ओर मनोहर शर्मा का भाई जो खुद एक धाकड़ था, उसे ये भनक पड़ गई और निकल गए वो कड़क की खोज पर। अरे यार आधे कच्ची रोड से कर लाओ तू, शॉर्टकट है, तू चल चल। जे दे कड़क की गाड़ी, चल 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 ना। अरे मैं ना यार, तू चल मेरे साथ। अरे मैं ना पर रहती चक्कर में। राधे, ओए। ये सब तुम्हारी गलती है मनोहर, गलती तुम करो, पाप हमारे सर आए। अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसा। मार साले मार, तेरी बूटी नहीं छोड़ेंगे हमारे भैया। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम अपने भैया की बात कर रहे हो। पूरे परिवार को मरवाएगो का साले। अबे आ बोला, रोक कितने बज रहे हैं। ओ सीताराम, कब हो? कटो मोड़ा था भाई साहब। चलो फास चल भाई।
भाई साहब हम मोड़ा कहीं दिख नहीं रहा है। धृतराष्ट्र की फौज पाल रखी है, जाकर ढूंढो। जी भाई साहब। अरे सीधा। हाँ भाई साहब। वो तू कहाँ बैठा भैया, जाकर ढूंढ। गया तो है भाई साहब। देंगे खींच के। अरे कहाँ गया रे मोड़ा। कौन का मोड़ा है ये? राधे इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ बेटा, जा रहा इधर बेटा, आ जा। तू जानता है इसे? कौन है ये? हम मना किए थे इनसे जी, लेकिन कड़क और गोली। क्या बोला? समय में पैदा हो गए, 70 के दशक हो तो आज सामने असल की हिलन नाच रही होती, मजा आ जाता बब्बन। अरे कछू ना हो तो भाई साहब, आपको तब भी तसल्ली ना मिलती। 70 के दशक में आपको बस ही पुरानी कोई फुलझड़ी चाहिए होती। काय ऐसा काय काय भाई साहब, आपको जो चीज आसानी से मिल जाए वो तो चाहिए नहीं ना। ये तो है बब्बन, क्या है कि जो संघर्ष में मुझे है ना वैसे वामूड़ी भी बुरो नहीं नाच रही है तो जा भी तो संघर्ष करो ना आज होगो बप्पन, आज होगो। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। यहाँ बोला सर, घर में फंक्शन चल रहा है, ऐसे में डिस्टर्ब करना ठीक रहेगा? कहो तो सोरे बोल रहे हैं। हो गया है? बंद करो ये सब। ओए बे, मैं बात करके आता हूँ। भाई साहब, भाई साहब पाए लगी पाए। शर्मा जी आइए आइए, बैठो बैठो जी। कुछ पिलाओ इनको भाई। नहीं नहीं, हम तो ड्यूटी पे अभी तो बिल्कुल। अरे तुम लौंडिया की तरह काय ले जा रहे हो, लो चलो। नहीं नहीं भाई साहब। जे मुड़ी कितने गई? ये मुड़ी 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 जे मुड़ी कितने गई? अरे मुड़ी को छोड़ दी, बात का है। हाँ मोड़ा जिंदा है राजेंद्र? अबे अबे का बकरो है हाँ? भाई साहब जाके ना सुनो। अरे मोड़ा तो वही मर गया, तो हमने अपने आंखन से देखे थे, का बकरो अबे। अच्छा ठीक है, तो बच गो तो वह तो भाई देख के एक बार फारिग कर दो। Yes and no, no बस। शर्मा। Yes sir, I am coming very fast। वो जमुरो को है? जे नए अफसर आए हैं, investigation। बाको बोलो जाने को, अपनी गाड़ी में आएंगे। बोलो बोलो। अब ये आ रहे हैं अपनी गाड़ी में। धर्मराज, जे कार्यक्रम कंटिन्यू करें। ए मोड़ी को बुलाओ शर्मा जी, निराशी। मोड़ी को बुलाओ, मोड़ी को। आ रहे सब, आ रहे पीछे से आ रहे, आप चलिए। ये? नहीं।
ये ध्यान से देखो राधे, ये ये राधे, मैंने तुमसे कहा ना डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराओ मत राधे, ये नहीं राधे, ठीक से याद करो, यही ना, चलो चलो यही ना राधे, चलो ठीक है ले जाओ, बताओ चलो भाई। गुड नाइट है जी, गुड नाइट। यहां चंबल के रावण को राधे ने नया जीवन दान दिया था, आज आज उसका नाम ना लेने की सजा रामसराय गांव आने वाले सालों में भुगतेगा। राम विजय त्रिपाठी भी चुनाव जीत चुका था, अब शुरू होना था इन दोनों के गठबंधन का रावण राज। बस उदयो कुटुंबकम समझते हो, हमारा घर तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा हमारा पैसा, इतना कमा रहे हो दिया करो, ठेकेदारी है, कड़क सिंह जी हैं, हम हैं, जनता है, है? कछु तो न्याय की बात करो महाराज। अब न्याय को तो ऐसा हो भैया, वो का कहावत है लट्ठा के, हाँ वो लट्ठा के चौधरी लट्ठा के पंच, हाँ। और जाके घर में चार लट्ठा वो अंच गिने ना पंच, हमारे पास तो 40 लट्ठा है, तो जो हम कहें सो न्याय है ना, हाँ? कितने कटे से एक बस, हाँ? महाराज आपकी जो इच्छा है वो करो महाराज। जय हो नवाल, जाओ फिर आराम करो। धर्मराज हमारा न्याय कब करोगे तुम? हाँ वो कहा है वो, रोजी अरे खड़ो होगो कहा फाटक रखी अलाचा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षण, अब तुम चंद्रमा के समान प्रकाशवान चंद्रवंश का वृत्तांत सुनो। बाबा श्री नारायण जी के नाभिकमल द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, बाबा इस चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, बाबा बृहस्पति को अपना गुरु बनाकर राजसूर्य यज्ञ आरंभ किया। अरे इधर राजा, बाबा को परेशान मत कर। भैया थोड़े पैसे चाहिए थे, आज टीचर डे है, टीचर के लिए गिफ्ट ले आना पड़ता है, सोच रहे कि हम रोजी टीचर के लिए गिफ्ट लें। अबे पैसा पेड़ में नहीं उग रहे हो, चले हैं बड़ा रोजी टीचर का हैप्पी डे मनाने। बेटा गुरु के काम होते ज्ञान बांटना, और रही बात गुरु दक्षिणा की तो फीस तो हम देते हैं। ये साली अंग्रेजी संस्कृति, तुम निकलो वरना जो कनपट्टी गरम करेंगे रोजी पोजी सब भूल जाओगे। चलो साले के सांड हुए जा रहे हैं, हमारी तो रोजी रोटी चल नहीं पा रही है, चले हैं वो रोजी टीचर का हैप्पी डे मनाने। राधे काय राधे, आज चड्डी में ही चम्मल वादी का जे फूल कहां से लिया? अरे लाओ तो लाओ, लेकिन कौन के काजे लाओ है? कौन ही काजे ला होगा, वही रोज ही टीचर होगी। का भूल गाओ तका, आज टीचर्स डे, मगर रोज ही टीचर तो कट गई, चली तो गई पर का किस दे के गई है, और हमें इतने दो दो। और हम का बताएं, हमें कितने कितने दो।
काका गाजर कैसे दी? 10 रुपए किलो। मेहम साहब सर बुला रहे हैं। प्रणाम जी। नमस्ते। अब आइए ना, एक बार 2 मिनट बात करनी है कुछ। जी डरिए मत, आइए आइए। गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते। विद्यालय कैसे चल रहा है? जी ठीक चल रहा है। बढ़िया है बढ़िया। अच्छा आ जाइए बैठिए। चलिए अरे बात करेंगे। जरा तमीज रखिएगा, हाथ छोड़िए। 4 दफे खपा भिजवाई मुड़े से, आपने कोई जवाब नहीं दियो। चलिए आइए बैठिए। खबरदार अगर और बदतमीजी की तो डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। जाइए तो स्मार्ट ही तो बनना है। आइए हमें भी स्टडी करना है आपकी क्लास में, चलिए क्लास लगवाएं। यह तमाशा मत कीजिएगा। हम आपसे शराफत से पेश आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप गुरु हैं, आपकी इज्जत है यहाँ पे और हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है। धर पकड़ करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। छोड़िए हमें। आपके बच्चे भी तो इंतजार कर रहे हैं। बच्चे बच्चे हाँ, क्लास लगवाइए घर पे आज। बच्चों को कुछ हो गया तो आओ आओ आओ, कुछ नहीं होने दूंगा बच्चों। रोजी टीचर में शिक्षा देती है, वो ऐसा ना कर सकती है। ये तो एकदम रॉन्ग है। वापस चल गोली, वापस। ओए भागो, चलो चलो भागो चलो। सुरमई अखियों में नन्नो नन्नो एक सपनो दियो। भाई साहब कहाँ है वो? कहाँ वो कहाँ है? पीछे दरवाजा है। काय के लड़ने? डेकोरेशन खटखटा क्या हो? अरे भाई साहब वो खटखटा क्या हो? सब पर राम तपस्वी राजा तीन के कास सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फुल पावे चारों झुक प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जग तुझियारा साधु संत के हाथ में रहे सुर निकंदन राम दुल। हु इज बब्बन कोम? भाई साहब वो गजब होगा। भाई साहब कब हो? अरे वो अपने भाई साहब जोश में होश खो बैठे। कब हो? टीचरान का गेम ओवर कर दिया, अरेस्टेड भी हो गए हैं वो। विधायक राम विजय त्रिपाठी महिला शिक्षक के हत्या के अपराध में गिरफ्तार। ओ मोड़ा कितने को भीतर को जा रहे हैं? जानते हैं कड़क साहब हमें। ओ कड़क साहब इन्हें जाने हैं। उनके पास टाइम ना है, जाते का कर रहे जा। बिने बोलो राधे आओ है, बात करनी है। राधे तेरा नाम बोलो है। बुद्धि गरम ना करे, कहीं जा तो उसे जा। चल हम नहीं आएंगे, हम अंदर आएंगे। समझ में नहीं आता कभी? हम नहीं आएंगे। भाग साले तसे। छोड़ो हमें बेटा, जा घर को। जाने कहां कहां से आ जाती है। चलो। अरे चना भूल गयो। अरे चना छोड़ो, बस छूट जाएगी। चलो अरे हमने तो ले चलो, हम तो रह गए। भैसा हाँ जय मिलेगी जय। Thank you.
राधे। अब का सोते रहोगे? ससुराल आ गए, पीछे कहीं सो गए। अरे राधे कितने को? राधे अरे पीछे के सीट पे देख, सो तो नहीं गए? सीट पे सोया होगा देख। राधे अरे राधे कहाँ गए वो? अरे डर के भाग गए हो क्या? राधे बारात लेके आ गए। दूल्हा गायब। ए राधे ये तो गायब हो गए। ये आदमी एक जगह टिको नहीं रहे थे। पीछे की सीट पे नीचे देख। क्या ढूंढ रहे हो? दूल्हा है चूहा नहीं है बेवकूफ। क्या संधि जी? जी दूल्हा कितने है? चनाव भूल गए, राधे भूल गए, मोटरसाइकिल। एक मिनट। अरे नहीं डट जाओ डट जाओ। दूल्हा कितने है भाई साहब? जी वो मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल? भैया ए राधे अरे रुक, कहाँ कर रहे हो? बैठो। बढ़िया, हम कितने हैं? हमारी तो कुछ फिक्र ही नहीं है, हैं? हम कहाँ हैं? सब पंगत खाने आए थे का? हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गंगा ध्वजा मंगलम पुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनु हरि ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ी खबर है बाबू जी की ब्यूटी की, आसपास के गाता लग तो होगी। तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि पैदा भी हो लिए और सके बाप को ही नहीं पता कि पैदा हो लिए। भाभी है बहुत खूबसूरत लेकिन कहां ये कहां हमरा राधे। वो देखो शर्मिला बैठा है अंदर। ए विन को देखो। क्या हुआ? ऐसे फूल के गुल गुलसन गुलफाम हो रहे हैं, यहां पिल लगाएंगे ना वहीं पड़ जाएंगे। सुनो अरे राधे शादी हुई है। कौन सी तुम्हारी राजधानी छूटे जा रही है? खड़े रहो नहीं तो ठोक देंगे यहीं पे। और तुम्हारी बारात में नाचने का हमारा इतना मन था, इतना प्रैक्टिस किए थे और तुम अपनी बारात में लेट आए। अब हम क्या करते? हम तो अब तुम नहीं करोगे कुछ, बैठो ही हम करेंगे। अर्ज करते हैं। वाह गौर फरमाइएगा। हाँ। अब तो आ गई है मेरारू। वाह अच्छा तो कि अब तो घर में आ गई है मेहरारू। जग छूटे तो छूटे मुझे क्या सावरे, जब दिल ने लगाया तुझी पे दावरे। जग छूटे तो छूटे मुझे क्या सावरे, जब दिल ने लगाया तुझी पे दावरे। तुझ पे लुटा दूं मैं तो सारी जिंदगी, बस वार के वार के रे। दिल बेपरवारे दिल बेपरवारे दिल बेपरवारे दिल बेपरवारे। जग छूटे तो छूटे मुझे क्या सावरे, जब दिल ने लगाया तुझी पे दावरे।
साल बीत गए, मौसम बदल गए, पर आज भी राम सराय राम विजय और कड़क सिंह के गिरफ्त में है। राम सराय का बादशाह कड़क सिंह आज चंबल का सम्राट है। जेल से निकलने के बाद राम विजय विधायक से एमपी बन गए और बब्बन विधायक। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, अभी अभी तो छोटे हो। क्या हुआ? हम कुछ मदद करें? बेटा इतनी जल्दी में इतना बड़ा फैसला, जरा सोचो इस बारे में, लोग क्या कहेंगे? बाबूजी बहुत सोचने के बाद हम ये फैसला लिए हुए। चिंता का बात की है राधे, अब बड़ो हो गए, शादी हो गई है, उसके कंधे पे भरोसा रखो, सब संभाल लेगा। अरे बेटा आज तक तो वो खेतों में ना घुसो है, बा को तो मुंह खुले है तो कलेजा दिख जाए, रुक सको तो रुक जाओ। बाबूजी हमें काय शर्मिंदा कर रहे हैं, राधे पे थोड़ा भरोसा रखिए। जे की बंदरिया जैसे ही नाचते बेटा, इतनी जमीन अब तक तो तुम ही नहीं संभाली होती, हम तो कहते हैं सगरी जमीन तुम ही रख लो। का बाबूजी हमारे ससुर आखिरी सांस गिन रहे हैं, उनकी जमीन जायदाद हमारे से 10 गुना ज्यादा है, बाकी जिम्मेदारी भी हम ही को सौंप रहे हैं। जिनके राज में रहिए उनकी हाँ में कहिए, ऊंट को बिल्ली ले जाए तो हाँ जी कहिए। ठीक है, अब यही तुम्हारा फैसला है तो हमें भी संगे ले चलो, हम तुम्हारे लिए बोझ ना बनेंगे, देख लेंगे अपनों। हे राम विजय, जय देखो। वो का कहते हैं इसे? ओ दैट्स अ ब्यूटीफुल पीस, इट्स अ 9mm सेमी ऑटोमेटिक टर्की मेड पिस्टल। हाँ मेरा जी, ये बताओ कि अंग्रेजी इतनी अच्छी बोल लेते हो फिर बंदूक काहे रखते हो? मतलब? मतलब हमारे बाबूजी कह गए कि बेटा अंग्रेजी बोलना सीख लो या बंदूक चलाना सीख लो। वैसे त्रिपाठी जी, ये बंदूक तुम्हारी बिरादरी की है, ठरकी से है? हाय। हाँ तो मेरे साथ मिस्टर मेरा बोलिए जी। काम तो छोटा सा है, आपकी राजघाट वाली नदी पे एक पावा प्लांट लगाना है। बस राजघाट नदी को हमाए बता दिया आपने, तो जो हमाओ है वो आपको है। हा? अब भी तो पावर प्लांट, मनी प्लांट, जो बनवाना है बनवा लो, लेकिन पैसों का ध्यान रखिएगा। ये जो सूट को कपड़ो है ना, बड़ो महंगो आवे है। भाई जी कौन कपड़ो पहनो है, ग्वालियर शूटिंग है? अरमानी, अडवानी सिंधी कंपनी है, विदेशी है जी, जॉर्जियो अरमानी फॉर इटली। हाँ अरे भैया त्रिपाठी, तुम तो सूट बूट तो पहनते भी नहीं, तो कहाँ है इतिहास के कपड़े फाड़ रहे हो भाई। आपका काम हो गया। थैंक यू। जे का मेरा सब।
सुबह अवसर पे खाली हाथ बढ़ा रहे हो जी? कछु नेक नहीं दोगे? नेक है, लो। वाह जे जी? वो नेक। ये तो मेरी खानदानी बंदूक है जी। बंदूक भी भला किसी एक की हो सकती है? हाँ? कल तक तो आपकी आती, आज हमारी हो गई, परसों किसी और की हो जाएगी। आप दिल्ली जाके प्लांट की तैयारी करो, पावर हमारे पास रहने दो। और राम विजय? हाँ क्यों भैया? हाँ टर्की? अरे हमको पता है तुम्हें ही मारोगे। पर भाई बन... सुनो भैया, हाँ ये सगरो सरकारी मामलों है, दिल्ली तक बात करनी होगी, कर लोगे ना? जे को राधे रुकियो, सीता बुला के लाओ ना। जी भाई साहब। हे राधे, कहाँ खोए हो भाई? भाई साहब बुला रहे। प्रणाम भाई साहब। और भैया शादी कर ली? हमें ना बताओ, माना कि थोड़े बदनाम है हम पर। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, हमने सोचो आपके पास टाइम कहाँ होगा, वैसे ही छोटी मोटी। मजाक कर रहे थे भैया, मोड़ी कहाँ की? भूरू खेड़ा की है, ठाकुर है ना माता दिन, उनकी मोड़ी है। ठाकुर आए ना जी? ये बात है ऐसा भैया, हमारे जैसे मूछे उगा लो। अब कहा है ठकुराइन के संग मार्केट में घूमोगे, बिना इस तरह के मूछों के फील नहीं आएगो। नहीं नहीं आजमा लो। कह दे रहे हम अब जे ठकुराइन, जे तुम और जे मूछे, क्या लोगे? पालक आलो भाई। आपके जैसी मूछ रखने के लाने ऐसी बंदूक भी चाहिए होगी। हाँ बड़ो 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 बड़ो। प्रणाम भाई साहब। हाँ जाओ जाओ जाओ। हनुमान चालीसा काय पढ़ रहे? कब होगा? वो कौन है तू? अरे ये कड़क भाई जी हैं, चंबल पॉलिटिक्स के बहुत बड़े आदमी हैं। कितने को है बताओ? क्या बात कर रहे थे तुम इनसे? तुम जानते कैसे हो? तुम कहीं सीआईडी बन रही हो? अरे हमारे बहुत खास हैं ये, कभी टाइम मिला तो मिलाएंगे तुम्हें। चले दिल्ली के काम को कहो, पेपर साइन हुआ कि नहीं? हाँ जे बार जरा मुश्किल लग रहा है। अब जे नाटक तो ना ही करो हमारे सामने, हुँ? एक पेपर साइन करना हो तो ऐसे काम तो तुम अंदर बैठे बैठे बहुत करवा चुके हो, भूल गए? भैया क्या है कि जेल में जब थे तो खुश होते, जब से साला बाहर आए हैं पूरी खुशी छिन गई हमारी, सब सूखा ड्राई। कहा है बे? देंगे खींच के भी। वो का कहा होता है सांड वाली? सांड सीढ़ी सन्यासी, जिनसे बचो तो भोगो काशी। समझे? तुम्हारे अंदर जो सांड है ना भैया, खुद तो मरोगे, हमको भी मरवाओगे भरे बाजार में। अरे इनके लिए शहर से एक सांड गाय मंगवा देना यार, रंग रंगीली। हाँ खुश धर्मराज, अब तो 2 फुट ऊपर इमोशन पैदा होगो, तब जाके 2 फीट नीचे की यात्रा होगी। देखो राम विजय, पहले हम ऐसे बात कर रहे थे, ऐसा हो गया ना गजब हो जाएगा। पहले रोजी चेचे के बवाल में बहुत मुश्किल झेले हम, फिर दिदास नहीं बन पाएंगे। कह दे रहे धर्मराज क्या है कि उतावले हो गए थे वो टीचर वाले मामले में, जोश में होश खो बैठे, पर ना अब यातायात के नियम का पालन होगा ताकि दुर्घटना ना हो। करारी की सवारी करवा दो ना धर्मराज।
अब इनका क्या करें? कोई ऑप्शन लॉक करो है? जी नमस्ते भाभी जी। जी सही बजा ना अजी। अच्छा आप तो जानती नहीं हमें, वो राधे साहब जानते हैं हमें, बब्बन त्रिपाठी जगाओं के विधायक हैं हम। कहाँ है राधे? वो घर पे ना है अभी, आप शाम को आइएगा या फिर खेत में चले जाइए, वो वहीं मिलेंगे। कच्ची बात नहीं भाभी जी, आप तो हैं। वैसे राधे साहब से कहिएगा कि हम आए थे बब्बन भैया, वो कड़क भाई साहब ने बुलाया हुआ। अच्छा जी चलते हैं, जय राम जी की। हाँ भाई साहब, अब जो है हमारी मंडली के सबसे महान कवि श्री राम विजय भैया जी अपनी कविता का पाठ करेंगे। तालियां बजाओ सब लोग। राम विजय भैया जी। क्यों भैया राम विजय, अब कविता के कपड़े उतार दिए? वो जो हमारे पिताजी जेपी आंदोलन में जेल गए थे ना, तो जब बताए थे कविता कोई अर्जुन ने लिखी है। अच्छा 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 अच्छा, ताऊ जी गए थे जेपी आंदोलन में और भाई साहब गए बेबी आंदोलन। बाबन चुप हो, कविता सुना दो। हाँ सुना सुना सुना। भाइयों पांच पूत भारत माता के, पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, और पहले एक को गोली लग गई बाकी बच गए चार। बाँ बाँ। 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 चार पूत भारत माता के और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तीन खत्म हो गए। एक पूत भारत माता का कंधे पर लिए झंडा और पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। भाई साहब बाकी बचा जो अंडा बा को भी खा गए पंडा। ओ, क्योंकि पंडा नॉन वेजिटेरियन। कड़क भाई साहब जी बात बताओ, ये मुझे क्यों बढ़ा ली? पहले वाली अच्छी थी वो जैकी सॉफ्ट टाइप क्या है। आदमी के जितने पाप बढ़ जाते हैं ना, उतनी मूछें बढ़ा लेनी चाहिए। इतनी भारी मूछ, दुनिया की नजर उतनी नीच। क्या बात है, ये लॉजिक बड़ी सही है। इनको देखो, इनको देखो, इससे भारी तो लल्लन की अम्मी की मूछें हैं। भाई साहब आप आजा आजा बैठ जाओ मेरे आधे ठाकुर। अरे भाई साहब हम कौन से ठाकुर? ठकुराइन को ब्याह करके लाए हो, बन गए आधे ठाकुर, बाकी हम बना देंगे। भैया पैक लाओ इनके लिए। नहीं भाई साहब हम का भाव, हम शराब नहीं पीते। अच्छा शराब खराब लोग पीते हैं? नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब, मैं ठाकुर बने जे इनको आदत है वो इनके दूध पीने की, मतलब हाथ से है। अरे दूध मंगाओ इनके लिए भाई, दूध मंगाओ, या कहो तो भैंस मंगा देते हैं डायरेक्ट। हम एक पैक पी लेंगे। अरे चांद किधर है हमारा? ग्वालियर में पेमेंट भिजवा देना इससे। ठीक है भिजवा देंगे। नहीं भाई साहब हम नहीं जाएंगे। का भाव? आपके लिए हम नरक जाएंगे, इनके लिए नहीं। काकई अरे कछु कह दे, कह दिए सुना नहीं क्या? कल आ जाएगा, मारेंगे दो तमाचा होश में आ जाएगा। तू हाथ मत बढ़ाओ, काट देंगे। अरे तू अरे 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 खराब हो गया तेरा। कड़क भाई साहब की वजह से चुप बैठे हैं। क्या बोला? सारी तीरंदाजी नहीं खा। कड़क भाई साहब की वजह से चुप बैठे हैं, वरना गंडासे से चीर दिए होते। अरे अरे ठीक है, क्या खाएंगे? बाप भी गया। सबको पता है तुम हमारी रोजी टीचर के साथ क्या किए थे। चलाओ गोली। महाभारत ना बचाओ, धृतराष्ट्र नहीं है हम, इसलिए महाभारत ना बचाओ, यहां पे गाड़ देंगे तुमको यहां पे। भाई साहब ये सही ना भाओ, गोली मार देंगे। जय सही ना भाओ, गोली मार देंगे हम।
ले जाओ इनको भैया, इज्जत से। बहुत गलत होगा भाई साहब। बब्बन, ये राधे का लाश चाहिए हमको। लांगे भाई साहब। खबरदार, जरा भी चोट पहुंचाई उसे तो। ये बहुत गलत कर रहे हो भाई साहब आप। राधे ने हमारी जान बचाई थी। अरे तो हम क्या करें? वो का एहसान है हम पर, एहसान फरामोश नहीं हम। हाँ, गलती है उसकी। सकरी गलती हमारी है बब्बन। धर्मराज ने जीवन दान दियो हो मोड़ो को आज। देखो, फर्स्ट क्लास सूट, हाथ में बंदूक, जे तो अकबर है अकबर, जीवन मृत्यु सब इनके हाथ में है। वो हम लोग है का, का काम होगो। अरे सिंहासन लाओ, सिंहासन बुलाओ, महाराज के लिए लगाओ सिंहासन, लगाओ। उसके लुगाई के पीछे काहे पड़े? दो मिनट में सूट बूट उतार देंगे हम। राजा मत समझो खुद को, ये मत भूलना कि हम नाल है। आवाज जरूर करते हैं लेकिन निकल गए तो तलवा घिस जाएगा दो दिन में। वासना पे कंट्रोल ना है तुम्हारी, तुम्हारी गलती है। एक भी टेंडर ना गिरोगे तुम्हारी झोली में। सुन लो, भीख मांगते फिरोगे भीड़ में, हमारी दाग में धाकड़ बने हो तुम। सुनो जी, राधे की डेड बॉडी तुम ही लाके दोगे और तुम ही दिलाओगे लल्ली। चलो बाबू। ताकत को कई बार अंधा कहा जाता है, लेकिन अंधी ताकत सिर्फ बिगाड़ सकती है, किसी को कुछ बना नहीं सकती। खड़क को कुछ बनना था तो उसने अपनी ताकत को दिमाग दिया, इसलिए इस बार जो राम विजय ने कहा था, खड़क ने उस बारे में सोचा और तय किया कि उसे राधे और सत्ता में से किसी एक चीज को चुनना होगा। शादी के बाद पहली बार तुम्हारे घर जा रहे हैं, कलाकंद ले लें का? नहीं। खावे के तो बहुत शौकीन लगे हैं जवाई जी, अच्छे से खिलात हो के नहीं? जाओ रोटी दे आओ, जाओ। और लियो ना बेटे। कितने खोई हो? ससुराल में भी ऐसे ही रहती हो? बाईस साल पहले अस्पताल में तुम्हें पहली बार गोद में लियो हो तो काका जी बहुत उदास है तो बोले, ठाकुर के घर और पहली संतान मोड़ी, भगवान तुम्हें ताकत है भैया। हमको बहुत बुरो लगो है तो काहे के हमने तो हमेशा ते
जय मानी के बिटिया मतलब हमारे घर की गोरैया। गोरैया हमारे आंगन थे उदासी के सगरे दाने चुग लेगी। मगर तुम जो करो उसके बाद तो वो लोग जो हमते जमीन पे देख के बात करते हते उनकी नजरें भी नस्तर ते भी तेज चुभन लगी। वार दिन हमारी समझ में आयो कि कक्का जी इते उदास काय आते। बेटा अब जो ये आंसू बहाए हैं तो इनके संगे संगे अपने सगरे अवगुण भी बहा दे हो बेटा। हमारे को जो सहना था सहलाओ, हमारे ऊपर जो कीचड़ उछलना था उछल ले बेटा। अब इसका एक छींटा भी अपने ससुराल वालों पे मत पड़ने देना। काहे के ये पगड़ी अब झुकेगी तो गिर ही जाएगी। अच्छा अच्छा बेटा जीते रहो। जीते रहो बेटे। कैसी हो? कहाँ भाव? ए हम आ गए हैं अब। बाद दिन जब तुम अपने घर को वापस आई थी हमने तुम्हें अपने पिताजी के संग छत पे बैठे देखा था। हमने तय कर लियो कि हम अपनी गलती सुधारेंगे। हमको ये ना समझ पड़ी कि तुमसे माफी मांगे तो कैसे। वो दिन हमें पता नहीं कहाँ हो गयो पर हमारी भी कहाँ गलती होती। सगरो गांव हमें मारवे के लाने ढूंढ रहा था। अगर वह दिन नहीं भागते तो आज के दिन जे तो ना चले हो जा गांव में। सबन के घर में जवान मोड़ी मोड़ा है। अब जे मोड़ी ज्यादा भगत तक ना डर पाकी जा गांव में। क्यों भाई? देखो जागाम में तो तुम्हारी मोड़ी को संबंध नहीं है पावे को। वैसे तो चंबल के उसूल के हिसाब से हमें सीधो दाग देना चाहिए पर वो कहा है ना हमारी घर में खुशियां भी अभी उतरी हैं और हम कोई अपशकुन नहीं करना चाहते। मैं सफाई ना तुम देने की कोशिश करना ना हमें सुननी है। सीधा निकल लो
और जाते हुए जो चेहरों पलटो तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। राधे श्याम और उनकी बंदूक। चेहरे के बारे में तो जो भी सुने सही सुने, लेकिन तुम्हारी बारे में बिल्कुल गलत सुने राधे श्याम। अब जय बंदूक से तो हमारे दत्ता भी ना डरे, इसलिए जय को नीचे कर लो। भैया हम में भी चंबल का उत्तो ही खून है जितना तुम में, लेकिन हम में और तुम्हें फर्क यह भाव कि तुमने आंखों देखी पर भी सोच कर फैसला करो, और हम अरे हमने कानों सुनी भी बिना सोचे समझ ले मान ली और बस यही मात खा गए तुमसे मिस्टर राधे श्याम। हम तुम्हारे लायक कभी थे ही नहीं, पर जे है खुश रखेगा तुम्हें राधे श्याम। चलो। और भैया अब पलट कर नहीं देखेंगे। हमें शुरुआत से मालूम हो पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम वाको कुछ नहीं कर सकते और तुम भी वाको कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज हमने तुम्हारे सतीत को जे चौकट से बाहर जाते देखो है। शादी के दिन मंडप में जब तुम उस लाल जोड़े में थी हमको मालूम है तो कि तुम जो शादी मजबूरी में कर रही हो और हमने सोच लियो कि हम शादी के सातों फेरों की प्रतिज्ञा को निभाएंगे, तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो हमारे भगवान भी हम दोनों के बीच में आयो तो मां कसम हम उसकी भक्ति छोड़ देंगे। नींदों से आगे जब ख्वाब भागे समझो इशारा हो बिन जताई देखो हमारा हो गया। जीती है मैंने बस ये तेरी चाहती सब हार के रे। जिस प्रकार कोई मनुष्य तीर्थयात्रा के लिए अपने घर से निकले और प्रतिदिन चलता रहे तो किसी न किसी दिन वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाता है, 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 अपने गंतव्य स्थान पर अपने गंतव्य स्थान पर गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाता है। इसके लिए पूछता है कि ठहरने का ठिकाना कोई है। इसी प्रकार कोई पथिक बीमार से थकने के किसी न किसी से पूछता रहे तो ठहरने का ठिकाना कोई है। ज्यादा देखो दी हाँ जब पास आके आंखों में झांके अपनी सी दूजी जिंदगी सद के मैं जाऊं क्यों ना ऐसे प्यार पे अपने यार के
जरा देर हो गई, सही है। देर सवेर हो जाएगी जनाब, काय फिकर करते हो। हाँ अरे हमने वादा किया है ना। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, सगरी फॉर्मेलिटी चल रही है। हाँ हाँ अरे नहीं भैया, महीने भर को काम बचो है बस। अरे काप लगा रखो है अंग्रेजी में, पलटो इसको। हाँ तो आपको नहीं, आपको नहीं जनाब, आपकी अंग्रेजी तो माशाल्लाह। अरे आप रकम तैयार रखिए ना जनाब। हाँ फैक्ट्री हम लगवाएंगे, वादा किया है ना। हाँ हाँ तो हाँ तो मेरा मेरा साहब से कहो, कड़क सिंह से पार्टनरशिप करे हो है? कोई छोटी मोटी बात नहीं, चंबल को खून है हम में, और चंबल के खून में ना नमक कम है ना आयोडीन, समझे? यूज कर लो, यूज कर लो, यूज कर लो, फिल्म के डायलॉग में यूज कर लो। हाँ रकम तैयार रखना। हाँ रखते हैं। हे कुंभकर्ण, तुम्हारे सामने वादा किए हैं, चंबल की नाक को सवाल है। धनिया डाले हो? जेले। अच्छा है, बात पूरी हो गई है। इतने दशहरे की रात हुई, उतने तुम्हारी दिल्ली में सुबह, प्लान का है सो बताओ। आओ ऊपर देखो, और ऊपर, उधर देखो। अरे राधे, तुमको भाई साहब ने बुलाया। कहाँ है? अरे हमको क्या पता, चलो आओ जल्दी आओ। हम आते हैं अभी। भाई साहब शिकार में बैठे हुए सवेरे से। नमस्ते भाई साहब, आ गए। प्रणाम भाई साहब। बैठो। बेर खाओगे? हमारा जो माथो है ना, चाहे बुद्धि नहीं, बेल है बेल। कब किसे सींग मार दे कुछ भरोसा नहीं भैया। अब तुम लोग सभी लोग हमारी का इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे पास जे है जे बंदूक, जे रखी होती बीतते टोप पे, सिपाणु है तो लोगों के चेहरे पे जूतों रख के चढ़नू है, तो हम भी किए। अब जे सही है गलत है छे तो राम ही जाने, पर हम इतो जानते हैं कि तुम्हारे अंदर भी वही जोश, वही क्या कहते हैं कन्वेक्शन है जो एक वक्त कड़क सिंह में आता। बात जे है राधे, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हो, और जे हमारी कमजोरी भी है साला, इसलिए लड़ाई दंगे में ना उलझो मेरे भाई, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे पास तो अपनो हथियार है, बंदूक से बड़ो विद्या,
हमारे संग काम ही करना है ना जी, तो करो, लेकिन तलवार को नहीं, कलम को काम करो। गणित तो बड़ा जोर होगा तुम्हारा जी हाँ। तो बस आज मंगल को दिन, गणेश जी को दिन शुरू करो आज से काम। घूमने फिरने का शौक है जी हाँ, तो बस आस पास गांव जाके हमारे हिसाब किताब कन्नो है गो करोगे जी भाई, आशीर्वाद चाहिए बस। जी तेरा जवान, जाते जाते ठकुराइन के लिए कलाकंद ले जाओ। जी राम। काए शोर मचा रहे हो? लो तुम्हारे लाने मिल्क केक। मिल्क केक लो। जे काए के लाने? नौकरी लगी है माई। नौकरी? कड़क भाई साहब ने नौकरी दी है हमें। का काम है? तुम हमेशा सीआईडी कहां बनी रहती हो बताओ? अरे कोई गैंग में थोड़ा ना शामिल होने को कह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का काम है, बही खाते का। ओ तुम्हारी फूली हुई नाक के नीचे फूले हुए होंठ भी हैं और इनसे मुस्कुराए जाते हैं। मुस्कुराओ, ओ मुस्कुराओ। चंबल के मैदानों से फिर हमने पुकारा है, चलो चलो मैदान पर, तुम्हें भाई साहब ने बुलाया है। बंद करो दुकानें। हाँ भाई साहब, कितने का तुम्हारी लौंडिया क्या साल जासूसी कर रहा हो क्या? सब इंतजाम हो गया है तो मैदान में मिलो। ठीक है। जब तक सूरज चांद भाई साहब का नाम ना लो, अरे खुदिया सकता चंबल आया दादा चंबल में। जब तक सूरज चांद भाई साहब का नाम ना लो। हाँ सुनाई दे रहा हूँ, इधर जे साल दशहरे के मौके पर एक खास कार्यक्रम की तैयारी की है हमने, एक खास दशहरा मेला, और हम चाहते हैं इस पावन पर्व के अवसर पे हमारे पार्टी के होनहार जुझारू कर्मठ श्री बब्बन कुमार त्रिपाठी जी इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता करें और भरत बनकर रावण दहन की तैयारी करें। हमारी सोच तुम्हारे बारे में गलत ना आती, बहुत खूब भैया। जब बात भैया, वो कुछ दिनों के लाने हमें छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी कब हो? वो जब से शादी हुई है उसको कहीं लेके नहीं गए, हमने सोचा कहीं घुमा लाए। हनीमून? ससर मार। कितने जाओगे? वो तो अभी सोचा नहीं। अच्छा अच्छा, थोड़ा टेंशन में डाल दिया तुमने। काहे? नहीं, हम तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण काम देने वाले थे, कछु नहीं किसी और से करवा लेंगे। नहीं भाई साहब, आप बोलिए, हम करेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं शादी भैया, ठकुराइन रोटी नहीं देगी। हाँ नहीं, हम करेंगे, उसको बाद में ले जाएंगे। आप बताइए। बात ये है राधे, कि हम सोच रहे थे कि इस बार
दशहरा को मेला धूमधाम से मनाया जाए। अरे बब्बन छब्बन ठब्बन इतना काबिल थोड़ी ना है कि क्या कहते हैं मैनेजरमेंट को काम संभाल सके। वो निरक्षर है साला, मंद बुद्धि है। फिर हम सोच रहे थे भैया आप कौन, तुम सामने आए, चलो कछु नहीं किसी और से करवा लेंगे। नहीं हम करेंगे भाई साहब, आप हम जान लगा देंगे। सवास राधे, इस बार दशहरे को मेले में हम तुम्हें कुछ देंगे गिफ्ट, बताओ क्या चाहिए। अरे नहीं भाई साहब, आपका आशीर्वाद रहे बस बहुत है। बस और कछु नहीं? नहीं भाई साहब। अच्छा बंदूक भी नहीं? बंदूक लाइसेंस वाली लाइसेंस वाली दिला देंगे तुमको। अब बनेगो हमारे राधे असली ठाकुर। मुझे होगा लो ये। तुम गए और बीते कड़क के काले सूरज ने सगरे रामसराय के आसमान को घेर लो, सभा की बंदूकें छीन ली, सगरे गांव को अपनी लुगाई बना के रखो। तो ठीक ही करो, कायरों के हाथों में बंदूक कैसे ही क्या काम। ऐसा मत बोल संभो, अब जा गांव का तू ही सहारा है, अगर तू सहारा नहीं देगा तो कौन देगा। गांव के सहारे के लिए नहीं आयो, जो कंधे से कंधा लड़ाकर लड़ भी ना सके। मैं आया हूं अपनी बेटी के लिए, बदले के लिए जो हम अकेले लेंगे। अच्छी बनी है भट्टे की सब्जी, तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। तुम्हारी तो कोई सास भी नहीं है, नहीं तो पूछ लेते अम्मा से झगड़ा तो नहीं हुआ कहीं। हाँ कहो नहीं तो हम छोड़ रहे हैं, खाना छोड़ रहे हैं। जो छोड़ना है पर तो छोड़ नहीं रहे हो, सीधे सीधे कहो। अरे कितनी बार कहे तुमसे, जा तुम्हें समझना ही नहीं है तो काहे पूछ रहे हो। अच्छा लो तुम्हारे पैर पकड़। चटोली मत करो, तुम जानो हम का कह रहे हैं। ओ कड़क सिंह, का दिक्कत है तुम्हें, 75 बार तुम्हें बता चुके हैं कि नहीं, फिर वही झगड़ा। अब क्या करें, घर बैठ जाएं? तो और कोई काम नहीं है का? हम का तुम्हारे दुश्मन है, चिंता है हमें, डर लगे है हमें। वाको का इलाज है? तुम समझते काहे नहीं हो, अंधे हो गए हो कड़क के साथ, वरना वो आदमी ना तो हमें कभी पसंद था और ना कभी पसंद होगा। पर तुम तो कुछ तो क्या करें, हर रोज कोई चौराहे पे मरता है, एक और धाकड़ पैदा होता है दूसरे को मारने के लिए, तो हम क्या घर में डर के बैठ जाएं या तुम्हारे आंचल में सर घुसेड़ के बैठ जाए। बस यही बात सुन देखो रह गए हती। अरे हटो चलो, तुम बिल्कुल बदल गए हो कड़क के साथ। हाँ बदल गए, कर लो जो करना है। हम आए कितने रह गए हो यही पता नहीं। राधे राधे कौन है, कौन है? गोली कब हो? यहाँ तुमसे बात करनी है, इधर आओ और बैठो, बैठो और पूरी बात सुने बिना काटना नहीं। बीच में वो त्रिपाठी की नजर गई थी भाभी पे बाजार में, और वहीं से सगरी जहां मिलना शुरू हुई, और वो बब्बन
वो साल अपने भाई के लिए प्लान बनाया है। बब्बन। हाँ भाई साहब। दारू सामने है, हम सच बोल रहे हैं। लल्ली हमें ना मिली, हम कछु कर लेंगे। अरे कछु ना होगा भाई साहब, अब प्लान सुनो। प्लान क्या? कल हम राधे को भेजेंगे शहर किसी कागजी काम के बहाने। इतने हमारे आदमी उसको कर लेंगे अगवा, अब कछु दिनों के लिए बेहोश कर देंगे। और जब तक राधे लौटेगा, लल्ली हमारी। अरे मार काय नहीं देते राधे को, हमारे प्यार के बीच में दीवार बना है। अरे भाई साहब, आपने पहले ही रायता फैला रखा, अब इसमें भी अब हम करें कि ना करें बता। और जानते हो प्लान की नींव क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कड़क। हमेशा से कहते हैं उसके पीछे बावले मत हो, और उसी बावलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें पागल बना रहे हैं। हमेशा समझाए, बंदूक 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 मत किया करो साला। इस धाकड़ बनने के बावलेपन में आज कहां से कहां। कुछ काम करो, कुछ काम करो, और कुछ काम वासना भी कर लो। अब मिलने को दिल बेकरार है। आय आय कैद की तकती तो पहनी है, जे मूड़ी भी छप जाती है, हम भी छप जाते। अरे कड़क कुबला, कड़क कुबला क्या होगा भैया? दूध आ गया। अरे हम क्या किए भैया? अरे गलत गलत अरे कुर्सी लाओ राधे भैया के लाने। अरे ये तो स्पेशल बंदूक लिख ली राधे भैया की, इनकी तरह इनोसेंट मिस फायर। हम तो डर गए थे कि हमारा हो गया। बात भाई साहब, चेक कुत्ते ने हमारे घर पे नजर डाली, हमारी गृहस्थी पे नजर डाली, हम काट के फेंक देंगे साले को। आपको पता नहीं आपकी पीठ के राधे, मार दो इनको भैया। मार मार के सगड़ो एक्शन निकाल दो, तीरंदाज बने साला। मार गाड़ दो साले को, आसी का जनाजा है, जरा झूम के निकले। पूर दो भाई साहब। समीर बेटा, समीर तुम यहां राधे भैया को देखे हो?
राधे, तुम इतने रो रही हो, वो बित्ते रो रहे हैं, हमें समझ नहीं पड़ रही कि हम कितने जाके रोएं। राधे कितने हमारे पास, सुबह सुबह शहर से लौटो है पर इतने नहीं आ रहो, कछु बताओ नहीं पर हम समझ गए, पति पत्नी के बीच कछु झगड़ो, हमने मनाओ है, नहीं मानो तो सोचो कि तुम ही आके मना लो। चलो, हम भी सांड बुद्धि है, संजीवनी नहीं मिली तो सोचो कि पहाड़ी उठा के ले आए, हनुमान बने चले थे, ये भी नहीं सोचो कि तुम काहे आओगे हमारे साथ एकदम से, हम तो बदनाम हैं, ऐसे वैसे लोग हैं, राधे हमारे भाई है, हमसे कोई भी चूक हुई हो हाथ जोड़ते हैं, बुरा मत मानियो, बस हमारे भाई को आके मना लियो। This is what you call a royal wedding? This is so cheap and tacky. चुप हो जा, तेरी अंग्रेजी उनको समझ आ गई तो पावर प्लांट तो गया, ये हमें काट के यहीं पे दबा के हमारा मनी प्लांट बना देंगे। हाय मिक, बैठो बैठो। राधे कितने? राधे, खोलो दरवाजा। राधे! त्रिपाठी नजर नहीं आ रहा? नजर कैसे आएंगे, आज चील ने मोर की ड्रेस पहनी है, वो आ रहा है। हाय मिकी। हाय, थैंक यू। और कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। जी आपको मोड़ो है? इटली से आया पिछले हफ्ते, सोचा चंबल घुमा दें ऐसे। ओ, सूट भी इटली से, वो मोड़ो भी इटली से। क्या नाम है? मिकी। मिकी माउस? नहीं 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 जी नहीं, मिकी मेरा। अच्छा, हेलो, पहनो हमारा वाला। तुम पहनो, तुम्हारी शादी भी करवा देंगे इतने। मैं आता हूँ थोड़ा मिल के उनसे। जी, जरूर जरूर, जरूर आ जाओ हमारे, दो मिनट। ए सीताराम। हाँ भाई साहब। ख्याल रखो। हाँ, आप जाओ, मौज करो। ओए मड़े, जा जा जा। हम आ जाएं? हम आ रहे हैं। जी कब हो? तुम रो रही हो? ये आंसू अब हमें भी रुलाओगी का? क्या क्यों है हमने? प्यार किया है तुमसे, कोई गुनाह नहीं। अच्छा अच्छा, जेल ये रो रही हो ना कि तुम्हें तुम्हारे मर्जी के खिलाफ उठा लाए? अरे रावण नहीं है हम, अहंकार में नहीं उठवाया, प्रेम में किया है हमने, बतेरे किससे पढ़े हैं ऐसे। अच्छा सुनो, हमारे बाबूजी ना
एक कविता सुनाई करते थे, तुम सुनो। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा हतो। जाके मतलब ये कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाने दो, हद से गुजर जाने दो। नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी सॉरी, जे समझ के कविता आजकल कोई नहीं समझता है। तुम आ गुस्सा ठीक है, हमारे बारे में सोचते रहो, प्यार हो जाएगा। अम्मा को भेजे, अम्मा 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 इधर जाओ उसको। डैड, लड़की इज हियर, दैट मैन आई मीन दूल्हा इज हियर, तो हम किसकी तरफ से आए हैं? पैसे किसके लगे? डैड के। तो बस तुम लड़की वाले हो गए और हम सब धाकड़ लड़के वाले। What is धाकड़? धाकड़ इज मसूर को क्या कहे अंग्रेजी में, फेमस। फेमस धाकड़ वो है बेटा जिसके हाथ में बंदूक आके बंदूक फेमस हो जाती है, जिसके सीने में गोली घुस के गोली फेमस हो जाती है। तुम नहीं समझोगे चंबल की मिट्टी की बात, तुम एड्डी रिंग पियो। जे किधर जा रहे हो? अरे भाई साहब शॉर्टकट है। अबे जे तो भीड़ में घुस रहा है। हाँ भाई साहब ये शॉर्टकट हो गए। करो मैं बावड़ो होगा। चल साले। अरे राधा भैया, अरे हम कचूला किए हैं भैया, अरे हम कचूला किए हैं, अरे हम तो निर्दोष भाई, अरे सब कड़क को किरो धरो है। अरे सत्रह साल इंतजार कर रहे हूं, एक एक पल प्रार्थना करते रहे बाकी जिंदगी की, ताकि जब हम लौटें तो उसे अपने हाथों से मार सकें। राम विजय और बबन तुम्हारे, मगर कड़क का खून मेरी बंदूक चखेगी। वैसे जो भी कहो जी, शेरवानी जच रही है आप। ये सब तुम्हारे वो अरमानी को कमाल है। ए, चाके सेठ में थोड़ा कम रह गए हो, इच्छा थी जय यश चोपड़ा करण जौहर के माफी ठीक है। अभी आजकल तो पिक्चरें गांव की तरफ ही आ रही हैं। हैं जय पान सिंह तोमर इतने ही सूट भाई थी। अच्छा है अपने चार पांच मोड़ों ने काम भी क्यों है तो, और देखो पिक्चर किस हाइट पे गए हो। तुम्हारा पावर प्लांट जे ऊंचाई पे पहुंचो। Cheers to that. Cheers to that. What's that happening there? प्यार. That violent? हिंसक हिंसक. अरे नहीं 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 नहीं, जान तर है शहर के मखमली प्यार में और जे चंबल के प्यार में। अल्लाह अकड़ वो नहीं मान रही है, सर फोड़ने पर तुली है। अच्छा अच्छा प्यार प्यार ये प्यार ना होगा कम। Oh.
हम कहे थे ना कि हमारे बीच हमारे भगवान भी आ गए तो हम भक्ति छोड़ देंगे, छोड़ दी बस, छोड़ दी। माल तो खत्म कर दो, हमारा तो हमारी और लल्ली के प्रेम कहानी अब कर। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें किस्सा बना देंगे जो को सुनने के बाद चंबल का कोई आदमी किसी की बीवी पे बुरी नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। का कर लोगे? पूरी रामायण सुनाए क्या? अबे रावण हते हम, तुम हमें राम समझ बैठे, इसमें हमारी क्या मिस्टेक है भाई? हम तुम्हें कभी राम नहीं समझे थे, हम तुम्हें रावण ही समझे थे, तभी शायद हम भी रावण बनना चाहते थे। हमाओ पूरो गांव उजाड़ दिए फिर भी दर्द नहीं हुआ हमको। झूठ ना बोल राधे, रोजी टीचर के बगत भी नहीं, दर्द ना भाओ। वो कहा है ना, जब तक खुद की सीता का हरण नहीं होता कोई आदमी राम नहीं बनता। तुम ये नहीं करते तो शायद हम भी तुम्हारी लंका में शामिल होते। धन्यवाद हमारी आंखें खोलने के लिए। तुम में अब भी हमें वही राधे दिखते है। 2 फुट को मोड़ो पुलिस स्टेशन में, चाकू देख के हमारी जान हलक तक आ गई थी पहली बार जिंदगी में। पर तुमने जो पासो पलटो है बेटा, अब तक की हमारी सांस तुम्ही ने दी है, अब तक के पाप भी तुम्हारे खाते, पुण्य भी तुम्हारे खाते। पुण्य तो हम जी लिए, अब पाप का फल भी चख लें। धाकड़ थे हम, कड़क सिंह राम विजय के पालतू कुत्ते बन गए। गुस्सा दो हमारे सीने में गोली भैया, बना दो गोली को फेम्स। फिर से पासा पलट दो हमारे 2 फुट के मोड़े।
हम वचन देते हैं कि हम तुम्हारी तरह बार बार मर के जिंदा नहीं होंगे। रावण है ना हम, वचन के पक्के हैं। एक बार मर गए सो मर गए भैया, आज तुम्हें मार कर हम अमर हो जाएंगे। काका, काका, पहले तुम जाके लायक नहीं आते, अब गांव को नए ताकड़ की जरूरत है। नहीं काका, अच्छे हमारे लायक नहीं है, इसने हमें क्या से क्या बना दिया। जाओ, जा, निकल ले बेटा, निकल ले काका, निकल ले, निकल ले। हमारा राधे अब रामसराय को छोड़कर एक नए रास्ते पर जा रहा था, वो एक नया रास्ता जो हर किसी का हक है, और इस नए रास्ते पर बढ़ते हुए उसने एक बात सीख ली थी कि ताकत ऐसी चीज है जो अगर बेहिसाब हो तो सारे हिसाब बिगड़ जाते हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि भूल तो इंसान से ही होती है, वो ये बात नहीं जानते कि भूल तो भगवान से भी होती है। Thank you.
रावण की मूड़ी है, गदहन में घोड़ी है, धांकड़ के सीने की ये हुक है। कोपन की मूड़ी है, गदहन में घोड़ी है, लोहे की बेटी ये बंदूक है।